सलाम अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर मर गए, मरने वाले हैं, आप आए क्यों हैं यहाँ पर? हम आपकी बीमारियों का वो इलाज लेके आए हैं अब्बा हुजूर कि जिसके बाद आप किसी दुश्मन के हाथों हलाक हो तो हो, लेकिन कभी किसी बीमारी के हाथों हलाक कभी नहीं होंगे। मतलब अब आप भी महाराज को कोई दवाई देना चाहते हैं? हम भी? अरे हम ही तो हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं। वाह भाई, माफ कीजिएगा शहजादे सलीम, लेकिन आप दवाइयों के बारे में क्या जानते हैं? आप तो गधे हैं ना। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो नहीं है, शाही गधे हैं हम, जिसमें ना अक्ल है ना दिमाग, ना सोच है ना समझ। आप दोनों के सामने तो यही छवि है ना हमारी। लेकिन आज भी हम आप दोनों को दिखा देंगे कि हम भी उतने बेवकूफ नहीं हैं कि जितने की आप दोनों हमें समझते हैं। आज हम आपकी बीमारी का वो इलाज करेंगे, या तो आज आपकी बीमारी नहीं होगी या आप नहीं होंगे। मेरा मतलब है आपकी बीमारी नहीं होगी। चलिए अब्बा हुजूर, उल्टे लेट जाइए। क्या करें? उल्टे लेट जाइए। क्यों? हम आज आप पर कुछ जिस्मानी नुस्खे करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी सारी बीमारी जड़ से हट जाएगी। चलिए उल्टे लेट जाइए। महाराज, हमारी माने तो आपको शाही हकीम का इंतजार कर लेना चाहिए, ये उनका काम है, वो ही जानते हैं। और तब तक क्या हमारे अब्बा हुजूर ऐसे ही दर्द में करकराते रहेंगे, तड़पते रहेंगे? अब्बा हुजूर कहना मानिए, लेट जाइए। महाराज ऐसा मत कीजिए। बीरबल बेटा है हमारा, अपने अब्बा हुजूर के लिए कुछ करना चाहता है, हम मौका देना चाहेंगे। जैसी आपकी मर्जी जापना। आपके लिए उल्टा भी लेट जाते हैं। आओ आओ सलीम, आओ शुरू करो। कैसा लग रहा है अब्बा हुजूर? तुम्हारा बलदेव, मेरा गर्क हो तुम्हारा सलीम। ऐसा हो आपको रानी साहिबा? अरे हमें हुआ क्या था, एक मामूली सा सरदर्द हुआ था। अरे बार बार के हमारी हड्डियों का मुरब्बा बना दिया है आप लोगों ने। अगर ये हमारे अपने हैं तो इनके मुकाबले हमारे दुश्मन तो हमारे खुदा है। अरे ऐसे वक्त में बीरबल हमें छोड़कर कहाँ चला गया है? बीरबल आ गए, आ गए, आ गए। कौन? बीरबल आ गए? नहीं नहीं, शाही हकीम आ गए। जा बना, देरी के लिए मुआफी। वो सब बाद में, हमारा इलाज कीजिए आप। जल्दी से शहर के सिलेक्शन ये। चलो 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 चलिए। अरे उन्हें नहीं, हमें चलिए। महाराज आइए आइए। बीरबल साहब, आपको जानकर यह खुशी होगी कि महाराज बिल्कुल ठीक हैं। अगर ठीक नहीं भी होते तो आपको क्या पड़ी? जब आपको महाराज के पास इनके साथ होना चाहिए था तब तो आप थे नहीं, पता नहीं किन मौज मस्ती में व्यस्त थे।
हमें महाराज की फिक्र थी, इसलिए हम महाराज के साथ रहे। लीजिए हुजूर, आ गए आपके लाडले बीरबल, पूछिए इनसे कहां थे अब तक। महाराज हमारी तलवार टूट गई थी तो उसको सिलवाने हम दर्जी के पास गए। ये कैसी बेहुदा बेतुकी बात कर रहे हो तुम बीरबल? तलवार ठीक करने का काम दर्जी का नहीं लोहार का होता है, वैसे ही जैसे मर्ज का इलाज करने का काम हकीम का होता है, ना कि बीवी बेटे या फिर वजीर का। वो तो भगवान का शुक्र है महाराज, वरना परिणाम गंभीर भी हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये जापना, हम जिस रास्ते से आ रहे थे और रास्ता पहाड़ टूटने से बिल्कुल बंद हो गया था, ऐन वक्त पर ही वहां पहुंच गए और अपने घोड़े में बिठाकर जंगलों से गुजरते हुए ऐन वक्त पर हमें यहाँ ले आए। अगर ये ऐन वक्त पर यहाँ नहीं जाते तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम जानते थे बीरबल, ऐसे मुश्किल वक्त में आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आपका शुक्रिया अदा करके हम आपके जज्बे को छोटा नहीं करेंगे। आज आपने हमें बहुत बड़ी बात सिखाई, जिसका काम उसी को साजे। महाराज एक और विनती है आपसे, हमारे परम मित्र तानसेन को ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी गायकी से ऊब गए, इसलिए आपका मनोरंजन करने के लिए वो अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नृत्य से लेकर नट कला तक सब सीखने की कोशिश की पर सीख नहीं पाए, और अब वो खाना बनाना सीख रहे। यही बाहर एक नया व्यंजन, खुद का बनाया हुआ नया व्यंजन लेकर इंतजार कर रहे हैं। अरे तानसेन यहां है तो उन्हें बुलाइए, बुलाइए उन्हें। मित्र तानसेन, आई। तानसेन तुम भी कमाल करते हो, इतनी सी बात तुमने दिल पे लगा ली। खुदा का नूर है आपकी आवाज में, इस नूर से आप हमें मोहताज रखना चाहते हैं। वैसे क्या व्यंजन बनाकर लाए हैं आप? शाही गाजर का हलवा है महाराज। क्या शाही गाजर का हलवा आप सब खाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले हम खाएंगे शाही गाजर का हलवा। इसमें गाजर के अलावा कुछ और भी डाला है? बहुत कुछ है महाराज, बहुत कुछ है। मेरी माँ का नुस्खा, हमने ही तो तानसेन जी को बोला ये बनाने को। पता है इसमें क्या है? गाजर के अलावा मेंढक के अंडे, कान खजूरे के कान के बाल खजूर में मिलाकर, और वो छिपकली जो मुझे नहीं मिली थी वो मिल गई, उसकी छोटी छोटी छोटे छोटे टुकड़े करके उसका रस निकाल के डाला है इसमें।